अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ अपनी देसी कुकिंग फूड से एक अच्छी रेसिपी। ये रेसिपी आप अपने खानों में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है फजीता राइस। बनाऊंगी फजीता राइस। फजीता राइस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल लेंगे उबले हुए आधा किलो, चिकन लेंगे डेढ़ पाव बोनलेस एक प्याली, शिमला मिर्च लेंगे बड़ी एक अदद, उसको बारीक काट लें लंबे साइज़ में, प्याज लेंगे एक अदद उसको बारीक काट लें, काली मिर्च पीसी लेंगे आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस लेंगे तीन खाने के चम्मच भर के, सिरका लेंगे तीन खाने के चम्मच भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच। अब शुरू करते हैं फजीता राइस बनाना। बोन लेंगे, इसमें हम डालेंगे चिकन, चिकन हमारी बोनलेस है डेढ़ पाव, काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस लेंगे तीन खाने के चम्मच, सिरका लेंगे तीन खाने के चम्मच भर के, कुटी मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे एक चाय का चम्मच और नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच, और इन सबको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करके। हमें चिकन को आधा घंटा रखना है, इसमें सब मिलेप करके। तीन खाने के चम्मच मैंने ऑयल गर्म कर लिया हल्का सा। अब इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करने में, लाल नहीं करना, बस हमें प्याज को नरम करना है थोड़ा सा, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हम प्याज को नरम करने में। 5 मिनट भी हो गए, मैं चिकन को आधा घंटा भी हो गया रखे हुए। अब इसमें डालूँगी चिकन को डाल के, इसमें हम 10 मिनट भूनेंगे, मिलाकर 10 मिनट भूनेंगे। दस मिनट हो गए हैं मैं चिकन को भूनते हुए। अब इसमें डालूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। इसमें 1 मिनट इसको भून लेंगे। शिमला मिर्च हमारे भून चुके हैं, उसमें डालेंगे उबले हुए चावल। हमारे उबले हुए चावल है, हम इसको मिक्स करके 5 मिनट हल्के हल्के दम पे लगा देंगे। मिक्स करेंगे चावल और सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, हम इसे 5 मिनट दम पे लगाऊंगे। फजीता राइस तैयार है। अगर आपको मेरी फजीता राइस की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।